जबलपुर के माड़ोताल इलाके में दो गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिनसे पुलिस ने 6 किलो गांजा जब्त किया है। क्राइम ब्रांच और पुलिस को सूचना मिली कि आस्था ढाबे के पास दो व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़े हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को पकड़कर जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 6 किलो गांजा जब्त हुआ। दोनों आरोपी गांजा बेचने के मामले में पहले भी पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। आज मुखबिर द्वारा देर रात सूचना प्राप्त हुई कि आस्था ढाबे के पास दो व्यक्ति हैं जो कि संभवतः गांजा रखे हुए हैं अपने पास। जिस मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं माड़ोताल थाना पुलिस द्वारा उसे तस्दीक कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिस पर कि 6 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है और उसमें दो आरोपी हैं, जिसमें एक विष्णु पटेल है और एक दिलीप पटेल है, जो कि 29 और 32 वर्ष के युवक हैं। इनके खिलाफ, एक के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट का अपराध और एक के पूर्व के खिलाफ भी गांजा का ही बेचने का अपराध पंजीबद्ध है, जिस पर अभी और विवेचना की जा रही है कि मतलब इन्होंने गांजा कहां से ख़रीदा, किसको बेचने जा रहे थे, इस पर अभी और तस्दीक की जा रही है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी या ऐसा कुछ उल्लेखनीय होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।